वर्ष 1630 में मराठा योद्धा और महान शासक छत्रपति शिवाजी का जन्म हुआ था। शिवाजी ने वर्ष 1674 में औपचारिक तौर पर रायगढ़ की गद्दी संभाली थी। शिवाजी को हिंदू परंपराओं को आगे बढ़ाने के लिए जाना जाता है। उन्होंने फारसी भाषा की जगह मराठी और संस्कृत के प्रयोग पर जोर दिया था। अपने पिता से विरासत में मिली सिर्फ 2000 सैनिकों की सेना को शिवाजी ने 1,00,000 सैनिकों की जबरदस्त सेना में बदल दिया था। उनकी सेना गुरिल्ला युद्ध करने में निपुण थी और गुरिल्ला युद्ध को शिवाजी के नाम पर ही शिव सूत्र भी कहा जाता था। वर्ष 1915 में आज ही के दिन भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी गोपाल कृष्ण गोखले का निधन हुआ था। महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। भारत में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। उनका मानना था कि भारत में राजनीतिक बदलाव तभी आएगा जब देश में एक ऐसी शिक्षित पीढ़ी तैयार होगी जो देश के प्रति एक नागरिक के कर्तव्य को समझती होगी। हमारे ब्रह्मांड के बीचों बीच सूर्य है ना कि पृथ्वी, ये बात आज आप सब जानते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। ये बात आप सब तो जानते हैं, लेकिन पहली बार दुनिया को ये बात निकोलस कॉपरनिकस ने बताई थी। 1473 में आज ही के दिन कॉपरनिकस का जन्म हुआ था। उन्होंने ही ये क्रांतिकारी सिद्धांत दिया था कि पृथ्वी अंतरिक्ष के केंद्र में नहीं है, बल्कि सूर्य हमारे सौर मंडल के केंद्र में है और पृथ्वी के साथ साथ सभी ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। वर्ष 1878 में आज ही के दिन अमेरिकी आविष्कारक थॉमस एल्वा एडिसन ने फोनोग्राफ का पेटेंट करवाया था। एडिसन का फोनोग्राफ इसलिए खास था क्योंकि इसमें न सिर्फ आवाज को रिकॉर्ड किया जा सकता था बल्कि उसे बाद में सुना भी जा सकता था। इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब की खोज भी एडिसन ने ही की थी। तो दुबई से इस खास डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात